भागीदार से डायरेक्ट कहने की हिम्मत न दादा लेखराज को थी और न छोटी माँ को थी।
संस्कार में तो शिवक्रम का संस्कार करता है, छुट्टी ना कर संस्कार तो ज्यादा निर्जुल ज्यादा निर्जुल होता था। हाँ जी हाँ जी, लेकिन विष्णु था ना संस्कार से तो बड़ बड़ बोलने को कहा जाता है या जीवन में धारण करने को भी कहा जाता है। तो धारण करने में छोटी माँ आगे या बड़ी माँ आगे? छोटी माँ आगे है। छोटी माँ जो भी जिसमें अधिकतर संस्कार जो भी शिवक्रम के साथ छोटी माँ का, छोटी माँ जो भी सुनी हुई बातें हैं उन सुनी हुई बातों के ऊपर पक्का निश्चय करने वाले संस्कार के होंगे या सुनी हुई बातों को पहले निर्णय करने का संस्कार होगा। फॉरेनर है, फॉरेन करने वाली है या टाइम लगाती है? फॉरेनर फॉरेन करते हैं और जो देशी है स्वदेशी है उनका सरेंडर होने में हृदय विदीर्ण हो जाता है, बहुत सोच समझ करके काम करते हैं। लेकिन दादा देना तो गीता माता कोई पहले पहले सुनाया था, तुम्हें कैसे मानो? प्रूफ दो, प्रूफ बताओ। तो बाबा बोले हैं है? बाबा काली कृष्ण में बोले हैं, कोर्स में ऐसा समझा जाता है। उस कोर्स को देखो ध्यान से। क्या बोला है? गीताएं दो हैं, एक गीता है सच्ची गीता, प्रैक्टिकल जीवन में भी सच्ची गीता, सिर्फ बोल बोल करने में सच्ची गीता नहीं, कि जो भी कैसेट सुनाई गई वो एडवांस ज्ञान के अनुसार ही कैसेट सुनाई गई, कहीं भी हेरा फेरी नहीं की गई है, तो सच्ची गीता हो जाएगी है? हो जाएगी, सिर्फ बोल बोल करने से ही हो जाएगी। भले क्यों की त्यों बात सुनाई, तो सुनने सुनाने से सच्ची गीता हो जाती है क्या? नहीं हो जाती। प्रैक्टिकल जीवन में वो ज्ञान उतार करके दिखाए, जो प्रैक्टिकल में फेल वो फेल कहा जाता है, थ्योरी में पास हुआ प्रैक्टिकल में फेल हो गया तो उसको फेल कहते हैं या पास कहते हैं? फेल कहा जाता है। हाँ श्री, हाँ ले गया। अरे तुम क्या वहाँ मौजूद थे? देख लिया सपना आया या साक्षात्कार हुआ? ले गया। तुमको सपना आया या साक्षात्कार हुआ कि छोटी माँ को ले गया बड़ी माँ को छोड़ गया? हमको पूछने का था, छोटी माँ को ले गया या दोनों किया? तो आप फैसला नहीं करिए ना, ये सोचने की बात है कि बड़ी माँ इतनी त्यागी तपस्वी है, जब छोटी माँ इतनी त्यागी तपस्वी है कि जो बाप को सुख देने वाला है वो ही हमको सुख देने वाला है, जिस बात में बाप का सुख है उसी बात में मेरा सुख है। तो बड़ी माँ को साथ लेके जाएगी या छोड़ के जाएगी? उसको परिवार में सम्मिलित किया या नहीं किया? हाँ सम्मिलित किया, तो छोड़ कैसे जाएगी? तो जब एक बार में सेवाग्राम भी चला गया, बात भी किया ना, एक ही साथ में एक ही साथ किया, एक ही साथ नहीं, दुकान उसके ऊपर छोड़ दी गई थी भागीदार के ऊपर, सेवाग्राम के ऊपर दुकान छोड़ी गई, और जब तक वो समेटे नहीं पूरा जो जिम्मेवारी सौंपी गई है तब तक कैसे छोड़ के आ जाएगा? और श्री का चित्र में कलयुग में आठ आठ श्री बिका है, कलयुग का रुक्मिणी के डायनेस्टी में आठ पीढ़ी बिका है, त्रेता में 12, तो सतयुग में रुक्मिणी के डायनेस्टी 150 वर्ष करके 1200 वर्ष, 50 वर्ष
क्या ये संगम युग का ठीक है और चेता में 100 वर्ष पर के 12 डिनास्टी 1200 वर्ष और 50 वर्ष क्या होगा हाँ संगम नहीं होगा त्रेता और द्वापर का संगम नहीं होता है क्या हर युग का संगम होता है या नहीं होता है होता है एकदम थोड़ा ही हो जाता है कुछ परिवर्तन टाइम लगता है बाबा बोले हैं कि ये चार चित्रों पर अमृतला मनन चित्र मंडल करके नया नया पॉइंट आएगा बाबा को भेजने के लिए बोलते हैं बोलो तो ये शिवी का चित्र भी उसमें देना है क्या शिवी का चित्र है शिवी का चित्र बाबा के सामने नहीं बनाया गया था जो शिवी का चित्र है वो किसी दूसरे व्यक्ति ने पास किया था या बाबा ने पास किया था बाबा ने पास किया तो मानेंगे नहीं मालूम नहीं मालूम चार चित्र मानेंगे लेकिन उसमें से सीढ़ी को निकाल लेंगे लक्ष्मी नारायण त्रिमूर्ति के साथ गोला और ये त्रिमूर्ति के साथ गोला ये दो चित्र हुआ कि एक हुआ तो एक ही चित्र में तो दोनों दिखाए हाँ जी पहले तो सीढ़ी आ गया और झार भी आ गया हाँ जी बड़ी माँ सुनने सुनाने के काम किया तो सुनना किससे सुना सुना है तो फिर होगा सारी कथा खत्म हो गई आपने यही नहीं जाना अभी तक बड़ी माँ ने किससे सुना छोटी माँ से सुना और छोटी माँ ने किससे सुना दादा लेना तो सुना उस समय की चीज का प्रवेश किया जब जब छोटी माँ से सुना उस समय चीज का प्रवेश किया बड़ी माँ क्यों प्रवेश करेगा जो बाप जो है वो माँ और बाप दोनों में एक साथ प्रवेश करेगा या आगे पीछे करेगा एक साथ प्रवेश करेगा ऐसे थोड़े ही कि छोटी माँ ने जब बड़ी माँ को सुनाया तब प्रवेश करेगा अरे माँ बाप जो माँ बाप का पार्ट होता है बीज डालने का वो एक साथ होता है या आगे पीछे होता है एक साथ होता है राजा और वीरी का दोनों का मिलन एक साथ होना चाहिए वो है भक्ति मार्ग का फाउंडेशन जिसे रजय प्रदान कहते हैं उसका नाम ही रज रखा गया वो बीज है सुनाने का काम सुनने सुनाने का काम रजो प्रधान है या सतो प्रधान है वो रजो प्रधान बात हो गई उसमें जो वस्त्र किया था तो कृष्ण ने उसको वस्त्र दान किया था तो कौन सा अरे बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं या हद की बातें करते हैं की बातें करते हैं जो लज्जा का अपहरण हो रहा था जो लोग 98 में फरुखाबाद में जो कुछ हुआ और कलकत्ते के लोग जो वहां मौजूद थे उन्होंने अच्छी तरह देखा और जाना कि कन्याओं की लज्जा का अपहरण करने के लिए वहां का प्रशासन वहां की पुलिस कहां तक आमादा थे उन्होंने यहां तक आर्डर दे दिया कि इस कन्या का अमुक माता का मेडिकल टेस्ट कराया जाए उसकी इच्छा हो या ना हो ये कानून कहता है, है? कानून ये कहता है कन्या माता अगर चाहे तो अपना मेडिकल टेस्ट कराए नहीं चाहे तो नहीं कराए तो जबरियन हॉस्पिटल में ले जाई गई और डॉक्टरों ने फैसला कर लिया कि इसका मेडिकल टेस्ट होना चाहिए
भरी सभा में जहाँ अखबारों में सारी बातें फैल रही थी, वो द्रौपदी का तीर हरण नहीं था क्या? द्रौपदी को नंगा करने का काम नहीं हो रहा था क्या? हो रहा था या नहीं? हो रहा था। लेकिन ईश्वरीय युक्ति ऐसी है कि वो असफल हो गया। जैसे ही टेस्टिंग रूम में उसको ले जाया गया और जबरदस्ती की गई, पता नहीं कौन सी सोल प्रवेश कर गई, इतनी जोर से चिल्लाई कि चारों तरफ आवाज गूंज गई हॉस्पिटल में, और दोनों डॉक्टर भाग गए। ये द्रौपदी को तीर हरण करने से बचाया गया या नहीं बचाया? भगवान ने बचाया, किसी मनुष्य ने बचाया? प्रजापिता ने जाके बचाया? बाबा ने बचाया। भले ब्रह्मा बाबा की सोल ने ये सारा कार्य किया हो, कृष्ण का तो गायन है ना क्या? वस्त्र दिए, लज्जा का आवरण दिया, नंगन नहीं होने दिया, तो कोई फूल बातें नहीं बताई गई हैं शास्त्रों में? तुम सात द्रौपदियां हो, एक एक द्रौपदी का तीर हरण होना है, पूरी परीक्षा होनी है। बहुत बुरा समय आने वाला है। जो ऊंचे ऊंचे परिवार वाले धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन जैसे अपने मान मतबे में बैठे हुए हैं, उनकी कन्या माताओं की भी लाज सुरक्षित नहीं रहेगी। उस समय कोई मम्मी, कोई पापा, कोई चाचा, कोई नाना, कोई काका, कोई ताऊ, कोई गुरुजी बचाने वाले नहीं होंगे। एक ही सहारा रह जाएगा। बाप बाप नहीं रहेगा, बेटा बेटा नहीं रहेगा, भाई भाई नहीं रहेगा। एक भगवान का सहारा काम आवेगा। शास्त्रों में हद की बातें नहीं लिखी हुई है, बेहद की बातें लिखी हुई है। क्या भीष्म पितामह आप ही नहीं है? बेसिक में नहीं है। बाल ब्रह्मचारी ऐसे भीष्म पितामह बेसिक में नहीं है, एडवांस में नहीं है क्या? एडवांस में भी है, बेसिक में भी है, बड़ी मान्यता प्राप्त है। सब लोक लाज में दब जाते हैं। बाबा लौकिक मात्र पिता यदि ज्ञान में नहीं चलते हैं तो उनका लेना है या नहीं? क्या कुछ भी अन्न वगैरह? अरे लौकिक संपत्ति पर आपका हिस्सा नहीं है क्या? भाईवान का ले सकते हैं, भाईवान का ले सकते हैं, माँ बाप का ले सकते हैं। भाई है तो भाई की संपत्ति अलग हिस्सा है और तुम्हारा अलग हिस्सा है। परिवार में हिस्सा होता है या नहीं होता है? तो जो अपना हिस्सा है वो क्यों छोड़ा जाना चाहिए? अन्न हो या कुछ भी हो, कुछ भी हो, हाँ अन्न दोष नहीं लगना चाहिए। और अपना भोजन अपने आप तैयार करना। और बाबा यदि लौकिक संबंधियों के यहाँ गए, जैसे बहन के यहाँ गए, तो उसके यहाँ अन्न मतलब उसका अन्न लेना है या नहीं? कच्चा उसको बना सकते हैं? अपने हाथ से बनाए तो कोई हर्जा नहीं है, तो उसका अन्न ले सकते हैं ना? लौकिक और अलौकिक तो तोड़ निभानी है या नहीं निभानी? निभानी। तो फिर क्या बात? ज्ञान में नहीं चलते हैं, ज्ञान में नहीं चलते हैं तो क्या हुआ? वो इस बात के लिए तो राजी हैं कि आप अपना आटा ताल ले लीजिए और बना लीजिए। बना लेने का क्या बात हो गई?
भिखारी बहन तो नहीं है, भिखारी बहन का तैयार हुआ खाना तैयार तो मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ उनका अंदर लेना या अच्छा आप एक तो कितना हो वो तो जानते थे गौरव लोग अच्छा नहीं है दुर्योधन शिक्षा फिर उनको ही क्यों साथ दिया, वो प्रतिज्ञा है जो ढेर सारी मान मर्तबे में आकर के देह अभिमान में आकर के प्रतिज्ञाएं जो किए बैठे थे या हम अपनी प्रतिज्ञा में बंधे हुए हैं, मानवीय प्रतिज्ञा थी या ईश्वरीय प्रतिज्ञा थी, मानवीय प्रतिज्ञाएं सच्ची है या ईश्वरीय प्रतिज्ञाएं सच्ची है, मानवीय प्रतिज्ञाएं धर्म है या ईश्वरीय प्रतिज्ञाएं धर्म है, धर्म क्या है इसलिए अंत में उसको सरस होकर लेना पड़ा। हाँ जी बाबा, जब कभी भिखारी मिल जाए रास्ते में और इंद्र ट्रेन में खा रहे हो खाना और जीत करे तो उसको देना चाहिए या नहीं रोटी वगैरह? आदमी को जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है? अन्न जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है। पैसा जरूरी नहीं है। और हमारा नारा है वसुधैव कुटुंबकम, तो हमारी बुद्धि में है कि दुनिया की जो भी 500 करोड़ आत्माएं हैं वो सब हमारे परिवार के एक दिन हाथ ही बन जाएंगे, जो हमारे भाती बन जाएंगे उनको जिंदा नहीं रहने देंगे। बाबा कच्चा अनाज नहीं देना चाहिए, पका हुआ देना चाहिए। बिल्कुल, कच्चा तो बेच भी सकते हैं। कच्चा देखे गए हैं बहुत से भिखारी कि आटा इकट्ठा कर देते हैं और मार्केट में जाके बेच देते हैं, फिर शराब पीते हैं। पका हुआ भोजन देंगे तो खाएंगे ही खाएंगे। बाबा जब चंदा लेने आता है मुक्ति मार्ग में चंदा, हाँ तो चावल देने के लिए भी वो मानता नहीं कि हमको रुपया चाहिए। हाँ चावल देने चाहे तो नहीं लेता है, बोलते कि हमको रुपया चाहिए। हाँ काली पूजा ऐसे दुर्गा पूजा में जब चंदा लेने आता है उस टाइम क्या करा जाए, वो तो झगड़ा पड़ना लगा शुरू है। तो हम हमारे ऊपर कर्जा है, हम अपना कर्जा ही नहीं निपटा पा रहे हैं, हम आपको कहाँ से दे दें? कोई न कोई बहाना बनाओ, हमको ये बीमारी है कैंसर हो गया है, हमारे इलाज के लिए पैसे हमको दे दो। बाबा हम चंदा नहीं किया तो हमारा लाइफ फुल के ले गया, नहीं दिया तो लाइट फुल के ले गया, लाइट छीन के ले गया ना, लाइट पेट में लाइट था वो ले गया। हाँ तो पाप कर्म किसका बना, आपका बना या उसका? किसका बना? धर्मराज आपको सजा देगा या जो छीन के ले गया उसको सजा देगा? अरे हर आत्मा का धर्मराज क्या फैसला होगा या नहीं होगा? होगा। तो आप तो धर्म पे अड़े रहे या अधर्म पे आ गए? धर्म पे अड़े कोई दान नहीं देता है, माने जिसके घर में कोई गुजर जाता है शरीर छोड़ देता है वो किसी को दान नहीं देता, दान नहीं देता एक साल तक। हाँ जो है ना चंदा मांगने आता है तो जिसने बोल रहा था कि हमारे घर में ऐसा हुआ है तो चल जाता है, माने बहाना बनाने वाली कोई भी बात है, बहाने तो ढेर होते हैं। बाबा ने तो हमको युक्ति सिखाई है, ये कोई झूठ नहीं है।
कैसे? आज वो नहीं मानता है और कल जब चारों तरफ ज्ञान फैल जाएगा तो हमारी बात को मानेगा या नहीं मानेगा? तो फिर इसलिए युक्ति से चलना, ये कोई झूठ नहीं है। बोलना पड़ता है। हाँ जी, बाबा अभी बाबा बोलते हैं कि प्यार से याद करो। है प्यार से याद करो, श्री प्यार नहीं। श्री प्यार नहीं, प्यार से याद करो। ठीक है बाबा, बाप समान बनना ही बाप के साथ प्यार है। तो अभी तो हमारा सब प्रभुत्व तो काम है, तो प्यार कैसे आएगा? प्यार कैसे आएगा? बाप समान बनना ही बाप के साथ प्यार है। तो बाप समान तो हम लोग माने आज की लिस्ट में हमको नहीं आना है, हमने गांठ बांध लिए। माने आज को प्यार नहीं होता है बाप से? होता तो आज बाप समान नहीं बनते, ये तो प्रैक्टिस होता है। बनते हैं या नहीं? प्रैक्टिस हो रहा है। तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप कमजोर। अपने को नेगेटिव सर्कल चलाने के लिए किसने बोला? नहीं बोला ना? नहीं चलो बाबा, हाँ तो काहे के लिए अकेले रहते? बीमारी किसी को नहीं है। पाता ना गीता पाठशाला का नहीं, कोई सारा जिम्मेवारी तन मन धन जो भी है सब किसी का जिम्मेवारी है। तो अकेला चलना भार पड़ना बाबा क्यों करें? अकेला चलना भार छोड़ने के लिए कहाँ कहा? अकेला चलना भार छोड़ सकता है, कोई परिवार अकेला चल सकता है। अरे गीता पाठशाला दो की होती है या एक की होती है? लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाना है गीता पाठशाला को, या हठयोगी सन्यासी का मठ बनाना है? क्या बनाना है? क्या बनाना है? लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाना है? तो एक होना चाहिए या दो होना चाहिए? है बोलो। पाठशाला जाने? अरे गीता पाठशाला चलाने वाले निमित्त कौन है? युगल है या सिंगल है? युगल है। ये तो नहीं कहा सिंगल की गीता पाठशाला होती है? सिंगल की गीता पाठशाला होती है क्या? नहीं होती। लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाना है तो दोनों ही चाहिए। मामा उनका कहना है, हाँ मान लीजिए आर्थिक कोई सहयोग भाई लोग देना चाहे, है आर्थिक सहयोग, हाँ कोई भाई लोग देना चाहे, हाँ क्योंकि उसके माने जो कि वो नहीं है, तो क्या भाई लोग आर्थिक सहयोग कर सकता है कि नहीं? कौन नहीं है? गीता पाठशाला के निमित्त बनी हुई है माताएं, हाँ वह उस जो कि नहीं है आर्थिक रूप से कमजोर है। आर्थिक रूप से कमजोर है तो अगर आर्थिक रूप से कमजोर भी है तो गीता पाठशाला में खर्चा ही क्या बताया बाबा ने? कोई खास खर्चा बताया क्या? बताया है? अब मानवतावा चाहिए, वो अपनी गीता पाठशाला में संगठन कराते हैं तो खीर पूरी खिलाते हैं, हम अपने यहाँ संगठन करेंगे तो हम भी खिलाएंगे, तो खर्चा भी चाहिए। वो अपनी गीता पाठशाला में टीवी चलाते हैं, हम तो गरीब हैं, हम टीवी MP3 प्लेयर नहीं खरीद सकते, तो हम चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दें। ये तो बाबा ने सिखाया। अरे टैप रिकॉर्डर से भी तो काम कर सकता है। हाँ क्या संगठन होता है, कौन का भी सहयोग नहीं करता है? सहयोग तो हम सब लें, जब सहयोग देने वाले दे रहे हो अपने आप बिना मांगे, हमें इशारा भी करने की दरकार नहीं। दूसरी बात, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है तो गीता पाठशाला है,
लक्ष्मी नारायण निमित्त है ही नहीं, नारायण इधर जा रहा है और नारायण ही इधर जा रही है, तो गीता पाठशाला है संगठन ही नहीं बनता है। अंदर का संगठन नहीं है तो बाहर का संगठन बन ही नहीं सकता। बाबा इधर आदमी में जो 9 लाख आदमी को संगठन रहता पहले पहले वही आदमी नंबर पर यात्रा करना चाहते वही आत्मा है। एडवांस में दो तरह के आते, एक शरीर छोड़ करके आते और एक शरीर रहते रहते एडवांस में आते। 4.5 लाख शरीर छोड़ करके प्रवेश करके ज्ञान लेते एडवांस, और 4.5 लाख ऐसे है जो शरीर रहते रहते ज्ञान लेते एडवांस। किसकी बात कर रहे हैं? हम यही बोल रहे कि जो पहले पहले संदेश मिला था आदि में, आदि में वही आदि वाला अंत में की एडवांस में आते हैं जो नहीं आई। 9 लाख में जन्म देने वाले भी हैं और 9 लाख में जन्म देने वाले भी है। 700 लाख वही आते हैं वही पूछ रहे हैं। 700 लाख मैंने जो किसी को आदि में आया था वही लास्ट में आया, वही लास्ट में आते आके चले जाए। हाँ जी, मतलब आदि वाले आत्मा ही अंत में आकर के एडवांस में आए। बाबा इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है करीब कुछ दिन पहले तो मैंने डिसाइड किया था, वो निर्णय किया था कि गीता जो है वो भारत का है सो राष्ट्रीय किताब होना चाहिए, राष्ट्रीय पुस्तक होना चाहिए और उसी पर जो है सो केस हुआ। केस होने के बाद उसको डिग्री मिली, फिर बाद में उसको सुप्रीम कोर्ट में फीडबैक किया गया कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये मुरेश्वर भाई जो है, मुरेश्वर भाई उसके पीछे पड़ा हुआ है और इस बीच में इन्फॉर्मेशन दिया था कि वहाँ जो है हाईकोर्ट का जस्टिस जो डिसीजन दिए हुए था, हाईकोर्ट का जो जस्टिस डिसीजन दिया था उसके सजेशन के आधार पर जो है सो सुप्रीम कोर्ट में वो केस जा रहा है, उसमें हमको मैंने थर्ड पार्टी के रूप में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो उसमें अगर आका भगवान कौन है, साकार कृष्ण है या निराकारी तेज वाला बाप है, इस बात को खुद ही फैसला नहीं कर सकता। और वो बाप कौन है, कहाँ है, किस रूप में पाठ बजाय रहा है, इस बात को खुद ही निर्णय नहीं कर सकता केस करने वाला। वो केस कैसे सफल करेगा? तो उसी केस के आधार पर हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब वो सफल नहीं करेगा। बस खत्म बात हो गई। जो केस करने वाला है उसकी बुद्धि में ही बात क्लियर नहीं है तो वकील लोग किस बात पर लड़ेंगे? वकीलों को समझाएगा कौन? मतलब उसके लिए मुरेश्वर भाई कह रहा है कि हम जो है ना थर्ड पार्टी में वहाँ रहेंगे और हम वहाँ जिस तरह से पेपर में निकलवाए थे पूरा महाराष्ट्र साइड में गीता का भगवान ये है उस पर हम उसमें सम्मिलित हों बिना किसी पार्टी का। मुरेश्वर भाई गीता का भगवान को बिंदु को समझाया नहीं, प्रजापति का बिंदु को समझाया नहीं 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 साकार के रूप में वो जो लेख जो है ना लेख में वो साकार क्या मैंने उसमें देखना किए हुए साकार के रूप में मैंने भगवान के अंदर में समझाया नहीं 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 शिव शंकर के बारे में ही लिखा है लेख में। शंकर कौन है वो क्लियर तो करो। हाँ ये बात हम उसे बोले थे कि आप स्पष्ट रूप में क्लियर कीजिए, तो बोले कि जो अभी जो शुरुआतें कर रहे हैं वो धीरे धीरे ना होगा, वो बाद में पैदा होगा। बाप बाद में पैदा होगा, पहले हम पैदा हो गए। और लग रहा है मान मत चल रहा है। हम बोले भी कि आप बाबा से पूछे हैं तो हाँ हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ दे दिया है, अरे तो हम लोग पता चला नहीं है, इन्फॉर्मेशन दे दिए कोई चर्चा तो है नहीं। बाबा मैंने
हमारे भगवान हुआ है, भगवान का हमारे भगवान हुआ, भुवनेश्वर भगवान, भुवनेश्वर भगवान है, हाँ भुवनेश्वर भगवान, त्रिभुवनेश्वर है भगवान है। अरे निराकार हम नहीं जानते, निराकार भुवन बुद्धि में नहीं है, वो भवन नहीं है, है या नहीं है? अरे भवन निराकार, निराकार धाम भवन है या नहीं है? निराकारी धाम है, और साकारी धाम दो प्रकार के हैं, सुखधाम और दुखधाम, ये दोनों भुवन है या नहीं है? भुवन है तो त्रिभुवन है कोई या नहीं? अगर त्रिभुवन है तो उनके ऊपर जीत पाने वाला कोई त्रिभुवनेश्वर भी है, जो तीनों लोक में ईश्वरत्व करता है, शासन करने वाला है। के पीछे पीछे सब चलते हैं। में है आठ चत्ती वाला कपड़ा पहनो तो जिन्हें हनुमान जी उठ जाए, चत्ती मतलब क्या होता है? चत्ती मैंने यहाँ फट गया, यहाँ एक कपड़ा जोड़ दो, इधर फट गया, इधर एक कपड़ा और जोड़ दो, इधर फट गया एक कपड़ा और जोड़ दो, ये हुआ एक फूल या? हाँ, और बेहद में है अच्छा वक्र, नाम सुना है कि नहीं? आठ जगह से टेढ़ा हो गया, आठ आठ जगह आठ पटरानियों ने हार गोड़ तोड़ दिए, तोड़ दिए तभी तो भाव लगा ना, तो अच्छा वक्र हो गया। ऐसे आठ घाव लग जाए तो भी हिम्मत ना हारे, उसको कहते हैं आठ चकत्तियों वाला बेहद का कपड़ा, शरीर ही कपड़ा है। माता बहन भाई के पास ज्ञान सुनने आते हैं, अब आता है तो समझना चाहिए। माता और बहनें तो अज्ञानी हैं, जो सुनने के लिए आने वाले हैं वो अज्ञानी हैं या ज्ञानी हैं? हैं अज्ञानी, और हम तो ज्ञानी हैं, हम तो ज्ञानी हैं। भाइयों के पास कोई बहन आ जाती है, नौजवान, उसने सुन रखा है बहुत अच्छा भाई ज्ञान सुनाता है, और कमरे में आ जाती है, लेकिन मुरली में डायरेक्शन दिया है, अकेले में बात करना भी खराब है। क्या बोला मुरली में? क्या बोला? हाँ, स्त्री पुरुष की दृष्टि तो अक्सर करके बेअभिमान की ही जाती है, काम विकार की ही जाती है, और ये बात प्रैक्टिकल में अनुभव करते हैं या नहीं करते हैं? कहा बैल तू मुझे मार, ये करना जरूरी है? उनसे साफ कह दो आप अपनी माता को सास को बुला के लाइए, तब हम आपको सुनाएंगे, नहीं तो ये एड्रेस से भाग जाइए। मुरली बोला है बाप, सगा भाई, भांजी, मामा, चाचा, गुरु, टीचर, कन्याओं के तो सब दुश्मन हो पड़ते हैं। क्या एडवांस ज्ञान में जो चल पड़े हैं उनके माथे के ऊपर कोई बोर्ड लगा है क्या? है नहीं, लेकिन दिल होने लगती है। ये तो हमारी बहन है, दुनिया कुछ नहीं कह सकती हमको, क्योंकि संसार में तो ऐसी ही चलन है। एडवांस वालों में भी, बेसिक वालों में भी ताकत नहीं हमारे ऊपर उंगली उठाए, लेकिन ज्ञान तो ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान किसी को छोड़ता नहीं है,
ईश्वरीय ज्ञान में ये सब के लिए पुरुषों के लिए बोला है। सब पुरुष दुर्योधन दुष्टाचरण है, ये तरीका बताया। पुरुष पुरुषों को समझाए और स्त्रियां स्त्रियों को समझाए। बाबा ये बात माता या कन्या भाई लोग को बोल सकती है क्या कि भाई लोग मैंने दुर्योधन दुशासन है, या बाबा से बोल सकते हैं? ये तो कह सकती है, बाबा ने मुरली में ऐसे बोला। बाबा जो बाबा का बच्चा बन गया हो और लौकिक परिवार ज्ञान में नहीं चल रहा हो और लौकिक परिवार का भरण पोषण उस बच्चे को करना पड़े, तो क्या वो समर्पण होगा कि समर्पित होगा कि नहीं होगा? कौन बच्चा? वो बच्चा उस संपूर्ण समर्पित कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? जो स्वतंत्र होता है वो समर्पित होता है कि जो परतंत्र होता है वो समर्पित होता है? जो स्वतंत्र होता है। कन्याओं माताओं के लिए बोला कि अगर कन्या है तो माँ बाप से परमिशन लेटर लेकर के आए, क्योंकि कन्या स्वाधीन नहीं है, खास करके नाबालिग कन्या। और माता है तो पति का बंधन बांधा हुआ है समाज के सामने, पति से परमिशन लेटर या डाइवोर्स लेटर लेकर के आए, ये क्यों बोला गया है? इसीलिए बोला गया कि अगर हम ज्ञान में नीति नियम को नहीं मानेंगे, विधि विधान को नहीं मानेंगे, तो उल्टा हो जाएगा। इसलिए अगर कोई को अपने परिवार के पोषण का बंधन है, कोई को माने खास करके भाइयों को, कन्या इस बात से मुक्त है, इस बात से परिवार का भरण पोषण करना कन्याओं की जिम्मेवारी नहीं है। नहीं तो बहुत से माता पिता कन्याओं से नौकरी करवाने लग पड़ते हैं, धंधा लोरी करवाने लग पड़ते हैं, वो गलत बात है। तो किसी के ऊपर अगर बंधन है, बूढ़े माँ बाप है और माँ बाप का भरण पोषण करना पड़ रहा है, करना जरूरी है, तो छोड़ करके सरेंडर जैसा बर्ताव नहीं कर सकता अपने जीवन में। अपने को सरेंडर समझे, बाबा भी कभी परमिशन नहीं देंगे कि अपने मुड़े बूढ़े माँ बाप की परवरिश छोड़ करके तुम आकर के यज्ञ में समर्पित हो जाओ, ऐसे समझो। और भाइयों को तो समर्पित होने की बात ही खत्म। भाई लोग अपन को समर्पित समझे, समर्पित माने जैसे डायरेक्शन मिले वैसे चले बस। बाबा कोई माता यदि भर्ती करने के लिए आना चाहते हो, उनका पति चाचा यदि घर से गए तो डाइवोर्स देना होगा, घर मतलब आना, तो वो सहन करे या डाइवोर्स लेटर देके आ जाए? युक्ति अपनाए, युक्तियां अपनाए। किस तरह से ये कह देते हैं बहुत से कि हम अपने मायके जा रहे हैं, वो पूरा छानबीन करते हैं। है? पूरा छानबीन करते हैं। जब छानबीन होगी तब देखा जाएगा। धर्म पर ये धर्म ने छोड़ी है, इसका मतलब क्या है? और मुरली में बोला है लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है और उनकी नमक पर चलना है। आत्मा में जितनी जन्म जन्मांतर की धर्म पर चलने की ताकत होगी, प्रैक्टिस होगी, उतना ईश्वरीय नियमों को फॉलो करेगी, नहीं तो फॉलो नहीं करेगी, आधीन बन करके ही रहेगी। बाबा जो छठ पूजा करते हैं उसमें जो अर्घ देते हैं सूर्य जी को देते हैं, लेकिन गीत गाते हैं छठी मैया, किसका पूजा होता है? भगत लोगों का धंधा है, करते कुछ हैं और कहते कुछ है। अभी जो जिसको सुनाया जा रहा है, अभी ध्यान से सुनाया जा रहा है, बहुत भाग्यनी भाई लोग को,
भक्ति मार्ग का ज्ञान सुनाया जा रहा है? भक्ति मार्ग में जो अभी है हाँ उसको जो ज्ञान सुनाया जा रहा ज्ञान कहाँ सुनाया जाता है भक्ति मार्ग में? भक्ति मार्ग में भक्ति मार्ग वालों को जो ईश्वर का संदेश दिया जाता है जो लोग तो अभी आ रहे नहीं और फॉलो नहीं कर रहे हैं और कोई कोई ज्ञान सुन करके आता है क्लास करते हैं भर्ती भी करते हैं फिर छोड़ के चला जाता है वो लोग वो सब 4.5 लाख में आएंगे क्या? जो पवित्रता का पालन करते हैं ज्ञान सुनने के बाद बाप का बच्चा बनने के बाद जितनी पवित्रता का पालन अपने जीवन में जितने लंबे समय तक करते हैं उतना राजघराने में जरूर आवेंगे। अगर नहीं करते हैं संदेश लेकर के चले जाते हैं तो राजघराने में नहीं आवेंगे प्रजा वर्ग में आ जाते हैं। बाबा पाठशाला वाले का खुद का यदि स्वभाव संस्कार नहीं मिला है जोड़ा नहीं तैयार है तो उसको सेवा में दूसरी जगह निकलना चाहिए या नहीं? हमारा ज्ञान प्रवृत्ति मार्ग का है या निवृत्ति मार्ग का है? प्रवृत्ति मार्ग। तो प्रवृत्ति मार्ग में पहली जिम्मेवारी हमारे ऊपर है या दूसरों के ऊपर है? पहली जिम्मेवारी हम अपने घर को संभालें। घर का सुधार तो पर का सुधार। घर का ही सुधार न हुआ तो पर का सुधार हो जाएगा? नहीं हो। तो जिम्मेवारी काहे के लिए लेते? जब भी सेवा में जाए तो जोड़ा जाना। अरे सेवा में पहले अपने घर में गीता पाठशाला खोली हुई है? अगर नहीं खोली है तो चाहे जहाँ जाओ सेवा करो। सेवा में जाए यदि कोई पाठशाला वाले तो जोड़ा जाने से सफलता मिलती है ना? ज्यादा अच्छा असर पड़ेगा। कुमार और कुमारियों के ऊपर इतना लोग विश्वास नहीं करेंगे, कहेंगे नौजवान है बच्चा है दुनिया अभी इसने देखी नहीं है विश्वास नहीं करेंगे। तो माता भाई को लेकर जा सकता है कुमार भाई को? अगर माता पकी हुई उम्र की है तो ले जा सकते हैं। हर जगह और लेकिन पहले घर का खाए देता हूँ। हाँ जी और
सी ऑन माने देखना शुरू करो, सी ऑफ माने देखना बंद। सी ऑन तब होता है जब नई दुनिया शुरू होती है, और सी ऑफ तब होता है जब पुरानी दुनिया खराब हो जाए। क्वेश्चन है भक्ति मार्ग में तो नवग्रह का अष्ट नवग्रह को पूजते हैं, इसमें तो कम्युनिस्ट तो नहीं होते हैं, कम्युनिस्ट को छोड़कर नव देवता को पूजा करते हैं। वो नवग्रह में तो ज्ञान सूर्य और गुरु दोनों भी प्रजापिता का पाठ है क्या? दो देवियों की पूजा करते हैं, नवग्रह का पूजा करते हैं बाबा, लेकिन उसमें तो कम्युनिस्ट तो नहीं आते हैं अष्टदेव में। वो देव है ना, देव जो होते हैं वो आस्था वाले होते हैं कि नास्तिक होते हैं? आस्था वाले हैं तब तो नरसिंहनारायण बनते हैं, मनुष्य से देवता बनते हैं। जो नास्तिक हैं उनको तो किसी के ऊपर आस्था होती ही नहीं, उन देवदारी के ऊपर आस्था होती है नहीं होती। आत्मा कोई नहीं मानते, परमात्मा कोई नहीं मानते, सड़क कोई नहीं मानते। तो जब किसी पर आस्था ही नहीं है तो उन्हें प्राप्त नहीं होगी। इसमें तो ज्ञान सूर्य का पर्व तो नहीं होगा, ज्ञान सूर्य देवों में जो पहला देव है वो स्वयं ही ज्ञान सूर्य है, इसलिए ईशान कोण में दिखाया जाता है। ईशान कोण से ही सूर्य निकलता है। सूर्य कहाँ से निकलता है? उत्तर और पूर्व के कोने से निकलता है। गुरु का पट होगा, गुरु तो साकार होता है। सदगुरु मिला दलाल है निराकारी स्टेज वाला, लेकिन फिर भी साकार होता है तो सदगति करते हैं। सदगति होती ही है शरीर के साथ, शरीर न है तो उसे कहेंगे गति। परम धाम में क्या है, आत्मा गति में है या सदगति में? गति में। जब इस धरती पर आती है तो शरीर लेती है, सुख भोगती है, दुख नहीं भोगती। तो सुख भोगना ही शरीर के द्वारा सत्य गति है। अगर दुख मिलता है शरीर के द्वारा तो दुर्गति। सारी दुनिया का बीज प्रजापिता है। जब राम ही रावण बनता है, राम बाप को कहा जाता है, तो रावण संप्रदाय का भी बीज है और राम संप्रदाय का भी बीज है। देवताओं का भी बीज है और राक्षसों का भी बीज है। बौद्ध धर्म में बिंदु सारी बीज है क्या? बौद्ध धर्म है ना बाबा, उसमें तो बिंदु सार बीज है क्या? बिंदु बिंदु सार बिंदु सार तो बाप का नाम है। और बौद्ध धर्म तो ये बीज सिद्धार्थ का आधार हुआ था। सिद्धार्थ है जिसमें प्रवेश करता है बिंदु बुद्ध। उसमें तो उसके बाप का नाम है सिद्धार्थ। उस व्यक्तित्व का नाम है जिसमें महात्मा बुद्ध ने प्रवेश किया, और सुद्धोधन सिद्धार्थ के लौकिक बाप का नाम है, और सुद्धोधन के बाप का नाम है बिंदुसार। ये विधर्मी धर्म पिता है ना, विपरीत धर्म वाला है, और विदेशों में जाकर के इनकी मान्यता ज्यादा साबित होती है। तो इसका कारण यही है कि वो साकार बाप को नहीं पहचान पाता, निराकार को मानता है, इसलिए उसको सार गया बिंदु सार।
तो धर्म पिता का पूजा नहीं होगा फिर पूजन पूजा नहीं होगा धर्म पिता होगा वो पवित्र नहीं है क्या पवित्रता की पूजा होती है जो गर्भस्थ में रह करके पवित्रता का जीवन जिन्होंने पाला है उनकी पूजा होती है सन्यासी में पूजा होती है सन्यासी में मंदिर होते हैं नहीं इसलिए नहीं होती क्योंकि सन्यासियों ने गर्भस्थ में रह करके पवित्र जीवन जीना परम परम पिता परमात्मा बाप से सीखा ही नहीं इसलिए उनकी पूजा नहीं होती दूर रह करके तो जेल में रहने वाला जो जेली है वो भी पवित्र रह लेता है ये क्या बड़ी बात हो गई नहीं जो भी बीज रूप आत्माएं हैं रुद्रमाला के मन के हैं वो सब बीज है क्या बीज है का मतलब जड़े नहीं है तालियां नहीं है पत्ते नहीं है वो क्या है बीज है और इतने कड़क बीज है कि वो खुद बीज रूप स्टेज के चेंज नहीं होते उनके नजदीक जो आएगा वो चेंज हो जाएगा तो जो जगदम्बा है जो महाकाली का रूप धारण करती है वो भी रुद्रमाला का माता है ना बीज है ना काय का बीज है चंद्रमा का बीज है तो उसने ब्रह्मा की सोल जब प्रवेश करती है तो संघ के रंग में आकर वो भी बीज बन जाती है जैसे शिव बीज है ब्रह्मा के रंग में प्रवेश करता है ना तो जो शिव बीज जब प्रवेश करता है तो हल्का फुल्का है या सूक्ष्म शरीर का दबाव डालने वाला है हल्का फुल्का है तो ब्रह्म का वो पता ही नहीं चलता कब आया ऐसे ही पूजा पिता वाली आत्मा है या राम वाली आत्मा है उसमें ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जब प्रवेश करता है तो संग के रंग से बीज रूपी किरदार कर लेता है इसीलिए जितने प्रवेश करता है उसको पता ही नहीं लगता कब आया तो कब चला गया गुलजारदारी में जब प्रवेश करते हैं कौन ब्रह्मा तो सूक्ष्म शरीर उनका होता है क्योंकि गुलजारदारी बीज रूप आत्मा नहीं है इसलिए वो सूक्ष्म शरीर का दबाव पड़ता है किसके ऊपर भूल जाता दीदी को तो वो सब कुछ भूल जाती शिव ज्योति बिंदु हल्का फुल्का है बीज में ज्यादा वजन तो होता नहीं वो तो बहुत ही सूक्ष्म है और बीज तो फिर भी स्थूल है लेकिन शिव तो सबसे जाती सूक्ष्म है अति सूक्ष्म अति सूक्ष्म 500 करोड़ मनुष्य आत्मा इतनी सूक्ष्म स्टेज वाली नहीं हो सकती तो वो प्रवेश करता है तो पता ही नहीं लगता ब्रह्म कब आया कब कब चला गया जब शुरू होगा तो एक साथ 9,16,108 होता पड़ेंगे क्या कि धीरे धीरे उतरेंगे जो आत्माओं को उतरने का क्रम होगा वो धीरे धीरे होगा या एक साथ उतर पड़ेंगे धीरे धीरे उसको टाइम लगेगा ना माने 150 वर्ष लग जाते हैं 16,108 9,00,000 को उतरने में 150 वर्ष लगेंगे जन्म देने वाली आत्मा ही उतरेगी और जन्म लेने वाले भी उतरते हैं नंबर वार उतरेंगे
लक्ष्मीनारायण, लक्ष्मीनारायण आठ ही होते हैं कि 16,000 सारे ही होते हैं? 16,108 तो प्रिंस प्रिंसेस बन के रह जाएंगे बहुत से, तो राजा रानी बनेंगे ही नहीं। और लक्ष्मीनारायण तो महाराजा महारानी होते हैं। राजाओं की संख्या तो 108 ही है, महाराजाओं की संख्या सिर्फ 8 है, बाकी तो सिर्फ प्रिंस प्रिंसेस बन के रह जाते हैं, राजा ही नहीं बनते। उनमें भी ऐसे भी होंगे जो सिर्फ त्रेता के अंत में जाके प्रिंस बन जाएंगे, नाम मात्र के, थोड़े समय के लिए, बाकी पूर्व जन्मों में दादागी बनते रहेंगे। गणेश का पूजा जाती होती मनुष्य देवता से बदल करके, पहले देवता था, देवता से मनुष्य बना, और मनुष्य से भी नीचे हो सकता है तो जानवर बनता है ना, तो जानवरों को याद करेगा तब जानवर बनेगा, या देवताओं को याद करेगा तो जानवर बनेगा, या भगवान को याद करेगा तो जानवर बनेगा। तो द्वापर युग से ये जानवरियत वाले देवताओं की शुरुआत हो जाती है। गणेश की पूजा करो, हनुमान की पूजा करो, दत्त की पूजा करो, गणेश की पूजा करो। गणेश को सबसे माता जी को सबका बीज जो है वो तो एक ही है, दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। उस बीज में तो गणेश भी बैठा है, हनुमान भी बैठा है। वो जब रजो प्रधान बनता है तो गणेश भी है, हनुमान भी। बात नंबर वन, तो दुर्योधन दुष्यंत मूर्ति नहीं, लेकिन आजकल का दुनिया में सभी मंदिरों में कोने कोने में किधर भी मंदिर है उधर सभी तो पूजा ही तो पुरुष ही होते हैं। इसका तो आप पूजा तब होती है जब वो पवित्र बन जाते हैं, तब या पवित्र होने से पहले पूजा होती है। आज की दुनिया के पुरुष दुर्योधन दुशासन बताए हैं, न कि सत्यव त्रेता की दुनिया के पुरुषों को दुर्योधन दुशासन बताए। आज की दुनिया को पुरुष है उनको दुर्योधन दुशासन बताए। पूजारी तो नहीं होते ना, माता ये तो पूजा तो नहीं करते, किधर भी तो नहीं करते। ज्यादातर गुरु पुरुष बनकर के बैठते हैं या स्त्रियां गुरु बनकर के बैठती हैं? ज्यादा उल्टी पढ़ाई पढ़ाने वाले होते कौन है? पुरुष ही होते। मंदिर का पूजा, मंदिर का स्नान। माता जी पूछ रही कुंभाभिषेक का अर्थ क्या है? कुंभ अभिषेक, अभिषेक माने स्नान, कुंभ माने घरे से। जब मंदिर बनाते हैं पहले तो पहले मंदिर बनता है या पहले मूर्ति बना के रख देते हैं? पहले मंदिर बनता है। जैसे शूटिंग पीरियड में पहले सोमनाथ मंदिर बना, मंदिर बना ना, और मंदिर घर को कहा जाता है। इसको कहा जाता है घर। तो शादी वाली पहले तैयार कर दी, बाद में फिर उसमें मूर्ति स्थापन करते हैं, और वो मूर्ति जड़ होती है या चेतन होती है? जड़ होती है। फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा करना माने कोई सोल उसमें प्रवेश कराते हैं।
भक्ति मार्ग में करते हैं ना इसे, ऐसा कुछ होता तो है नहीं भक्ति मार्ग में, ये सब सिर्फ बातें ही बातें हैं। असली बात कहाँ की है? असली बात संगम युग की है कि 66 में पहले सोमनाथ का मंदिर बना, क्या घर बना, और ये कहते हैं कि घरवाली घर है या चार दीवारी में घर है, चार दीवारी घर होता है या गृहिणी घर होती है, गृहिणी माने घरवाली, घरवाली घर है या चार दीवारी घर है, अगर चार ये दीवार है अगर घरवाली जाकर के जंगल में बैठ जाए घास फूस की झोपड़ियां हैं वो भी नहीं है, सिर्फ पेड़ के नीचे बैठे हो तो घर नहीं है, तो भी घर है, तो गृहिणी घर कही जाती है। तो संख्या छठ में पहले पहले तो वह चार दीवारी बनी, जहाँ ब्रह्मा बाबा ने सोमनाथ मंदिर खोला, वो मंदिर जो है उसमें पहले पहले गृहिणी आती है, सोमनाथिनी आती है, इसके बाद 3-4 साल के बाद फिर मूर्ति आती है। वो मूर्ति अज्ञानी है या ज्ञानी है? अज्ञानी है। सोमनाथ, सोमनाथ आता है वो मूर्ति आ गई, फिर मूर्ति में प्रवेशता होती है। किसकी प्रवेशता होती है? शिव में प्रवेश करना है, शिव ऊपर जाके से बैठ जाता है क्या? इसी लाइन में जब ब्रह्मा बाबा ने 18 जन्म की सदी छोड़ दिया तो शिव क्या ऊपर जाके बैठ गया? नहीं, वो मूर्ति आई और मूर्ति में उसने प्राण प्रतिष्ठा हो गई, मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद फिर उसका अभिषेक होता है घड़े के ऊपर, घड़ा ज्ञान जल का घड़ा ओढ़ते जाओ, ओढ़ते जाओ, 69-70 से लेकर के 75-76 तक क्या होता है? अभिषेक होता है। अभिषेक होते होते वो मन बुद्धि रूपी घड़ा आत्मा शुद्ध हो जाती है, फिर उसमें चंद्रमा भी प्रवेश कर जाता है, तब नाम पड़ता है शंकर। तो भक्ति मार्ग में तो तंत्र दंड होता है, लेकिन असली असली कहाँ होता है? वो अभिषेक स्थूल जल से करते हैं, स्थूल घड़े से करते हैं, वास्तव में हुआ है ज्ञान जल से अभिषेक। जो बुद्ध रूपी घड़ा है वो वही लग जाता है। जला रहे हैं कारण यह है कि चर्च नाम क्यों पड़ा? चर्चा बहुत करते हैं काई की है? हाँ, जब चर्चा करते हैं तो उसका नाम पड़ गया चर्च, दूसरा नाम है गिरजाघर। क्या नाम ऐसा क्यों पड़ा? गिरजा घर, घर गिरजा, ये अच्छी बात है क्या? है घर बना बनाया बनाया जाता है वो अच्छा है या गिरजाना अच्छा? बनाना अच्छा। भगवान का जब घर बनाया गया था तो कोई ऐसी आत्मा निमित्त बनती है जो भगवान के बने बनाए घर को उजाड़ देती है। एडवांस पार्टी की शुरुआत की बात है। क्रिश्चियन धर्म का जो बीज है उपमा का होता है वो ये धंधा करता है, और फालतू की चर्चा बहुत करता है अपने को भगवान साबित करने के लिए।
क्रिश्चियंस क्या समझते हैं? क्रिश्चियंस समझते हैं क्राइस्ट भगवान का बच्चा है। तो क्राइस्ट ही भगवान का बच्चा है, और सब क्या है? और सब भतीजे हैं क्या? सभी ही भगवान के बच्चे हैं। तो जो चर्चा विचारणा चलती है वो फालतू बातों की चलती है। और ऐसी फालतू बातें कर करके उन्होंने हिंदुओं को कन्वर्ट करके क्या बनाया? क्रिश्चियन बनाया। और इसकी शुरुआत सबसे जास्ती होती है वहां जहां जगन्नाथ का मंदिर स्थापन होता है। जो जगन्नाथ की फॉलोअर है वही सबसे जास्ती नीचे गिर जाते हैं, वही नीचे गिरते हैं, वही पहले होते हैं। उसको रावण जलाना कह दो तो, और चर्च को जलाना कह दो तो, बात एक ही। वही पूछ रहे हैं मेल मरवतूर करके तमिलनाडु में एक मंदिर है, मेल मरवतूर करके तमिलनाडु में एक मंदिर है, उसमें तो स्त्री पूजा करती है, उसका तो क्या शूटिंग है? पार्वती ने एक ऐसा बगीचा बनाया था, जंगल बनाया था, उस जंगल में जो भी पुरुष जाता था वो क्या बन जाता? स्त्री बन जाता। माना वहां सब कन्याएं माताएं ही रह सकती है, कोई पुरुष पुरुष पाने की वृत्ति में नहीं रह सकता। तो उसकी यादगार वो मंदिर बना दिए। पूजा भी करेंगी तो कुमारियां या माताएं करेंगी, कोई पुरुष वहां पूजा नहीं करता। तो कहता बगीचे में जैसे ये बन गया बाबा पुरुष, पता नहीं पड़ा। रुद्रमाला पहले तैयार होती है, विजयमाला बाद में तैयार होती है। रुद्रमाला के मन के विजयमाला में ऐड किए जाते हैं। ऐड होने से पहले वो सब स्त्रियां थी विजयमाला में या पुरुष थे? स्त्रियां थी। पुरुष होते हुए भी स्वभाव संस्कार से क्या थे? स्त्री स्वभाव संस्कार वाले थे। यादगार में ही दिखाई जाते हैं वो ऐसी पूजा, कन्या माता ने वहाँ पुजारी की रूप में पूजा करेंगे। पुरुष तो कोई होता ही नहीं है, रुद्रमाला के वाण की तो सारे लंगड़े हैं, जब तक पवित्र न बने तो ऐड कैसे किए जाए? सब थोड़े ही बन जाएंगे, जो पवित्र बनते जाएंगे तो बने। सब प्रवृत्ति मार्ग को मानते हैं क्या? नहीं मानते। और कुछ